काजा अभी जस्ट उठ के आया हूँ मैं। बाहर ठंडी है अच्छी खासी, रात टेम्परेचर -8 डिग्री के आसपास था। अच्छी खासी सर्दी है, आज मैंने कपड़े डाले हैं लेकिन नीचे तो देखो ओनली टी शर्ट ही है। लुक एट दिस, इस तरीके की हल्की फुल्की बर्फ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कोल्ड डिजर्ट है भाई, सूखी ठंड है। जो हॉस्टल में रुके हुए थे देख सकते हैं आप, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है यहाँ पे, थोड़े बहुत ही है। हमें कुछ और उम्मीद थी बट इन पहाड़ों ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा है। जो हॉस्टल है काफी अच्छे कंसेप्ट बने हुए हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं जो हॉस्टल जैसलमेर में रुका था, काफी सही जगह है बैठने के लिए। हस्की है, इसका नाम है ओडिन। ओडिन कर रहा है सवेरे सवेरे। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट ये डीजल डलवाते हैं और अभी स्टार्ट करके देखते हैं सुबह सुबह। ये बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई महिंद्रा की गाड़ियों को। भाई तुम्हारी गाड़ी को करो स्टार्ट यार, करो करो स्टार्ट करो, स्टार्ट करके देखते हैं। ये अपने ऋतिक भाई, ये यार ये खतरनाक बंदा है। स्टार्ट करते हैं अपने स्कॉर्पियो एंड शायद हो जाएगी यार। ओ ये भाई, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, महिंद्रा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, महिंद्रा बनी इन चीजों के लिए। मैं निकल रहा हूँ सबसे पहले डीजल डलवाने के लिए, क्योंकि डीजल की बहुत नीड है, तो अभी इसको लेके चलते हैं सीधा डीजल डलवाने के लिए। और यहाँ का टेम्परेचर रात में तो -10 के आसपास गया था लेकिन अभी तो बहुत नॉर्मल सा है। धूप निकली अच्छी करारी वाली धूप निकल रखी है, बाकी मैंने कपड़े तो यार गर्म पहन लिए हैं। मेरा मूड भी बड़ा खराब है कि इधर यार स्नो नहीं है दूर दूर तक। और ये था जो हॉस्टल जहाँ मेरा स्टे था, और ये थोड़ा सा ऑफ रोड आएगा हल्का फुल्का सा जो अभी कवर करके हम निकल रहे हैं ऊपर की तरफ। ये काजा है बहुत सुंदर, तो आज काफी सारी जगह पे जाना है हमें। व्यू देखो यहाँ के कितने खूबसूरत नजारे हैं, बड़े खूबसूरत नजारे हैं यहाँ के। तो काजा देखो अभी बिल्कुल खाली खाली सा ही है, आई लव स्पीति लिखा हुआ है। हम अपनी थार को यहाँ खड़ी करेंगे और थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे बराबर लगा के। बाकी यार सब कुछ बंद बंद सा ही पड़ा है यहाँ पे काजा में। ओहो ये ट्रक, ओहो हो यहाँ तो और ही मामला खराब है। डीजल के लिए लाइनें लगी हुई है, देख सकते हो आप कितनी लंबी चौड़ी। थार लेके खड़े हैं, ये देखिए आगे कितनी लंबी चौड़ी लाइन लगी पड़ी है डीजल के लिए। भी आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइनें लगी है, हम भी लाइन में लगे हैं। ये निकलने को है, हम आगे जाने को है, फंसे पड़े हैं सारे। ये सारे डीजल की मारा मारी है, पेट्रोल तो फिर भी मिल रहा है, डीजल नहीं मिल रहा है। एक ट्रक वाले भाई ने तो भाई पीछे की साइड में अपना शीशा भी डाल दिया गाड़ी की, मैं उतर के देख नहीं पाया। मैं यार थोड़ा एक बार तेल डलाते हैं फिर देखते हैं, उतरे फिर कोई और नाटक हो जाए, कोई और घुस जाएगा। वो सामने की साइड में माउंटेन देखो, वो देखो उसी पे स्नो है और कहीं स्नो नहीं है यहाँ पूरे काजा में। या वो पीछे की साइड में हल्की सी वो दिख रहे हैं, वहाँ है स्नो। गाड़ी में टैंक फुल कर दिया यार अपना तो। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। पैक कर लिया, ये भाई लोग अपने साथ चल रहे हैं। जय हो, जय जय। और ये भाई तो आपको पता है हमारे साथ शुरू से ही है, सचिन भाई। Hey everybody, अपना काफला चल गया है। सबसे पहले अपने जा रहे हैं आज की मोनेस्ट्री में, और की मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हिक्किम चलेंगे, और जो भी मतलब लोकेशन आएगी वो सारी चीजें हम अभी आज कवर अप कर लेंगे। कि यार मेरे को यहाँ पे स्नो नहीं मिली और मेरा ये पूरी की पूरी ट्रिप का मतलब वर्थ नहीं लगा मेरे को। पूरा जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मिलता ना वो स्नो के हिसाब से मिलता। जितनी भी नदियां है ना, छोटे छोटे नदी आ रही है ऊपर से आ रही है, वो सारी की सारी नदियां आके मिलती है इस स्पीति रिवर के अंदर आके मिल जाती है।
पहुंच गए हैं, ये अपनी थार खड़ी है, ये अपने भाई लोग जो अपने को मिले हैं जयपुर से, ये इनकी गाड़ी है, ये आगे चल के की मोनेस्ट्री है। मैंने सोचा था कि लॉर्ड बुद्धा के स्टेचू इसमें है, लेकिन वो शायद लांगजा विलेज में है, यहाँ नहीं है। तो अभी मोनेस्ट्री में चलेंगे ऊपर की तरफ और यहाँ का नजारा दिखाते हैं आपको। तो अभी हम निकल रहे हैं ऊपर की तरफ की मोनेस्ट्री की साइड, मजा आएगा आज सबके साथ। और यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री बताई गई है मोनेस्ट्री की, जो मैं भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। भाई इस एरिया में जितने भी टूरिस्ट आए हैं ना, देख लो सारे के सारे हमारे पीछे हैं भाई। एक दो बंदे आके गए हैं, वो भी आ जाएंगे तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे। और हम जा रहे हैं ऊपर अभी की मोनेस्ट्री की तरफ, और मुझे लग रहा है यहाँ का एल्टीट्यूड मेरा जो जहन बता रहा है 12-13 हजार है। लामा जी अपने को चाय पिलाएंगे सभी को पहले, और छोटा सा किचन है बहुत ही प्यारा। सबसे पहले लामा जी ने हमें चाय सर्व की है और हम चाय पी रहे हैं सभी भाई लोग। ये देखो ये अपना सचिन भाई, की मोनेस्ट्री से निकल गए हैं और इस रूट पे आगे चल के किब्बर आता है, छिछमरी जाता है, उधर हम नहीं जा रहे हैं। हम अभी जा रहे हैं लांगजा, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा का बहुत बड़ा स्टेचू देखने को मिलेगा, और उसके बाद हम जाएंगे हिक्किम जो कि लास्ट पोस्ट ऑफिस है, वहां से हम अपने डैडी को एक पोस्ट भेजेंगे। नीचे की तरफ में बढ़िया टेंट वेंट लगा रखा है, नीचे गाड़ी गुड़ी धो रहे हैं, बढ़िया सेटअप कर रखा है इन्होंने। तो भाई हमने अभी लगा लिया 4x4 और हम उतार रहे हैं गाड़ी नीचे की तरफ, और देखते हैं किस तरीके के शॉट ले पाते हैं। पहले भी कई व्हीकल गए हुए हैं यहाँ पे, तो अपने भी उतर लिए हैं। बड़ा तगड़ा जोर आ रहा है चढ़ने में, रोकने के बाद में। वो भी यार हम रुके भी ऐसी जगह पे है जब बड़ा रास्ता आगे का स्टीप है और दोनों तरफ पहाड़, क्या गजब व्यू है यार। ये ऐसा व्यू तो यार हमने अभी तक नहीं देखा है, दोनों तरफ पहाड़ नहीं आए कहीं भी, और ये कोई ऐसी जगह आई है जहाँ दोनों तरफ पहाड़ हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या कहते हो साहब, चलेगी गई है गाड़ी एक। ये देखो जी हल्का सा ऑफ रोड करते हैं और यहाँ हम गाड़ी खड़ी करेंगे हमारी, और भाई से इनसे करवाते हैं थोड़े से शूट। तो भाई दिखाएंगे आपको एक बहुत जबरदस्त व्यू, ऐसा व्यू जो अब तक हमने काजा में नहीं देखा, और कह सकते हैं कि यहाँ ना धक धक हो रही है इतना ऊपर आने में, लेकिन ये व्यू देखने के बाद वो मतलब वर्थ है, हर चीज वर्थ है। अपना मॉन्स्टर क्या गजब व्यू, और इस तरफ देखो आप स्नो माउंटेन, और ये हमारे साथ के भाई लोग, और वहां थी मेन रोड, वहां से हम ऑफ रोड करके आए हैं। पहुंचे हैं वो देखिए सामने है लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू, और ये अपनी गाड़ी है, अपने सारे भाई लोग। यहाँ से अभी क्या है कि हम एक बार स्टैचू के पास जाएंगे, वहाँ थोड़ा सा व्यू लेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। बड़ा ही खूबसूरत है, आप देख सकते हैं जगह, देखो कितनी खूबसूरत है, मतलब और जन्नत किसको कहते हैं, यही जन्नत है यार। ये है लेमन टी और यहाँ बैठ के हम पी रहे हैं। हम पहुंच गए हैं कॉमिक विलेज में, दुनिया के सबसे ऊंचे गांव में कॉमिक विलेज में, वर्ल्ड हाईएस्ट रेस्टोरेंट कॉमिक। यहाँ एक मोनेस्ट्री है, वो नीचे मनी चक्र है,
ये जो कॉमिक विलेज है ये भी हाईएस्ट विलेज है क्या? आपका विलेज हाईएस्ट है सर, आपका इसका इसके साथ ये भी हाईएस्ट है, वो लास्ट रेस्टोरेंट अब कनेक्टेड बाय विलेज के साथ है। ओके ओके, यहाँ नेटवर्क तो नहीं है? नेटवर्क नहीं सर, नेटवर्क ओके। और यहाँ से चाइना बॉर्डर कितना दूर है? चाइना नहीं है सर, इसे बोलते हैं वो टिबेट बॉर्डर सर, यहाँ से 40 किलोमीटर होगा सर। ओके ओके, 40 किलोमीटर। यार भाई थार निकल जाएगी, भाई थार निकल जाएगी, थार निकल जाएगी, वो निकल जाएगी हाँ आराम से। अरे वो घूम के आएंगे हम, हिक्किम का रास्ता यही है। अरे हिक्किम का यही है। तो गाइस अभी हम गए थे लास्ट विलेज कॉमिक, कॉमिक को भी आप लास्ट विलेज बोल सकते हो, वर्ल्ड हाईएस्ट कैफे था, वर्ल्ड हाईएस्ट विलेज था। अभी देखो अपनी थार पहुंच गई है वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस पे। जगह जहाँ से हम पोस्ट कार्ड ले रहे हैं और हिक्किम में पहुंचे हुए हैं हम अभी, और हमने यहाँ से खत लिया है, ये पोस्ट कार्ड हम भेजने वाले हैं अपने घर पे अपने मॉम डैड को। आगे इसमें कुछ दो बातें लिख देते हैं और फिर इसको पोस्ट करेंगे। ये देखो ये लोग भी अपने अपने घरों में लिख रहे हैं, दोनों अपने अपने बीवियों को। इस पे जो मैटर लिखा है वो नहीं बताऊंगा, वो मेरी दो बातें हैं अपनी फैमिली के लिए और ये पोस्ट कार्ड है जो हम अभी पोस्ट करके आएंगे। आई एम वेरी लकी कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे को इस काबिल बनाया कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, एंड दोनों को आई लव यू मॉम एंड डैड एंड माय ब्रदर एंड माय डॉग लूसीफर। दो चार बातें और लिखी है, वो आपसे शेयर नहीं की जा सकती, कुछ बातें पर्सनल रखनी चाहिए। हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस आप पढ़ सकते हो यहाँ से, और ये देखिए यहाँ पे कुछ चीजें बताई गई है, और इतने खूबसूरत सी वैली के अंदर हम हैं अभी, ये आप देख सकते हैं पोस्ट करने जा रहे हैं इस इतने बड़े पोस्ट ऑफिस में, इंडिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है, लास्ट है इसलिए इतना बड़ा बनाया इसको। और आसपास का व्यू देखो कितना खूबसूरत है। बचपन में हमने पोस्ट की थी, कम से कम मैं मेरा 20-22 साल पहले मैंने लास्ट पोस्ट किया था और अब कर रहा हूँ ये। इतनी हाइट पे आके मैंने ये लेटर लिखा, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैंने अपनी फैमिली को अपने दिल की फीलिंग्स बताई, इतनी ऊंचाई पे आके जब सांस ही बहुत कम आता है आदमी को, ये सब चीजें की बहुत अच्छा लगा। और अभी चलेंगे हम यहाँ से, और ठंड माइनस के 8-9 आराम से होंगे, बहुत ठंडी है, मैं एक टी शर्ट में हूँ। निकलते हैं, और नीचे यहाँ से खाई है, ऐसे वैसे नहीं है भाई, बहुत गहरी खाई है, ये देखो बहुत गहरी है, यहाँ से और भी गहरी है, और वो आगे चल के कुछ शायद काजा ही है वो, और ऊपर स्नो माउंटेन है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ का ये हाई पास है और ऊपर का पहाड़ बहुत ऊंचा है। मैं और मनोज भाई दोनों पहुंचे हैं यहाँ पे, और अभी यहाँ से चलते हैं, ये पूरा का पूरा रास्ता ही ऑफ रोड है, तगड़े वाला ऑफ रोड है। बाहर दूर से लग रहा था, दूर से तो बहुत टफ लग रहा था यार ये जगह, लेकिन बिल्कुल प्यार प्यार से हमने कर लिया इसको। गाड़ी भी तो यार सीनियर गाड़ी है। हाँ वो ही तो, थोड़ा सा अगर ये छोटी गाड़ी होती तो यार कॉन्फिडेंस ही नहीं आता इस रोड पे, बिल्कुल भी नहीं आता। ये गाड़ी आपको वीडियो में से लग रही है लेकिन बहुत ही स्टीप है ये जगह, मतलब रास्ता। कप लिया है, ये कैप लिया है, ये भाई ने भी पहन रखी है, ये मैडम स्माइल कर रही है, देखो ये बिल्कुल सच्ची बात है। ठीक है अब मैं भी दो तीन चीजें ले रहा हूँ और फाइनल करते हैं। ये काजा में ही स्टोर है, बाहर अपनी गाड़ी खड़ी है और आगे चल के अपना स्टे है। अच्छी से क्या चीज है? हाँ हाँ, अगर आप काजा में आ रहे हो तो ये मैडम को देख लेना, इनकी स्टोर से आके चीजें ले सकते हो।